नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया हूँ मॉडर्न प्रोडक्टेबल के पार्ट 3 वीडियो लेक्चर के साथ, जिसमें मैं कम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, बैंक और बहुत से एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रोडक्टेबल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सिंपल तरीके से डिस्कस करूँगा। सो पार्ट 3 के वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि पार्ट 1 के वीडियो लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है बेसिक्स ऑफ प्रोडक्टेबल, पार्ट 2 के प्रोडक्टेबल के वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया है इजी शॉर्ट ट्रिक्स टू लर्न प्रियोरटेबल इन हिंदी, और अब पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी टॉपिक्स को, वो भी शॉर्ट नोट्स के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारी एक्चुअल मॉडर्न प्रियोरटेबल। वैसे तो पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं रिवाइज करवा देता हूँ। मॉडर्न प्रियोरटेबल को टोटल 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। प्रॉपर्टी के आधार पर पहले 2 ग्रुप को एस ब्लॉक में रखा गया है, आखिरी के 6 ग्रुप्स को पी ब्लॉक में, और बीच के 10 ग्रुप को डी ब्लॉक में रखा गया है। लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज के एलिमेंट्स को एफ ब्लॉक में रखा गया है। लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज को एफ ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि कम्पिटेटिव एग्जाम में कौन से टॉपिक, कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि धातु कौन से एलिमेंट हैं, अधातु कौन से एलिमेंट हैं, ठीक है, संक्रमण धातु किन्हें कहते हैं, अर्ध धातु किन्हें कहते हैं, आइए जानते हैं। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को बेस मेटल यानी कि क्षार धातु कहते हैं। एस ब्लॉक के पहले ग्रुप के एलिमेंट्स यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीनियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन एलिमेंट्स को मेटल्स कहते हैं। एस ब्लॉक के दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम को अर्थ मेटल यानी कि अर्थ धातु कहते हैं। अब बात करते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की। तो पी ब्लॉक के पहले 5 ग्रुप यानी कि बोरान ग्रुप, कार्बन ग्रुप, नाइट्रोजन ग्रुप, ऑक्सीजन ग्रुप एंड फ्लोरीन ग्रुप को नॉन मेटल यानी कि अधातु कहते हैं। पी ब्लॉक के आखिरी ग्रुप यानी कि हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन और ऑर्गेनिजन, इन एलिमेंट्स को नोबल गैसेस कहते हैं। अब बात करते हैं ट्रांजिशन मेटल की यानी संक्रमण धातु की। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को संक्रमण धातु यानी कि ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। ट्रांजिशन मेटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, जिसके कारण ये एक से अधिक तत्वों से मिलकर अनेक यौगिकों का निर्माण करते हैं, इसीलिए इन्हें संक्रमण धातु कहते हैं। अब बात करते हैं सेमी मेटल यानी अर्ध धातुओं की। तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलिलियम और पोलोनियम, इन एलिमेंट्स को सेमी मेटल यानी कि अर्ध धातु कहते हैं। इन एलिमेंट्स में धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज के एलिमेंट्स की। तो लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। एटॉमिक नंबर 57 से लेकर के एटॉमिक नंबर 71 तक के एलिमेंट्स को लेंथेनाइट सीरीज के एलिमेंट, और एटॉमिक नंबर 89 से लेकर के 103 तक के एलिमेंट्स को एक्टिनाइट एलिमेंट्स कहते हैं। लेंथेनाइट सीरीज के एलिमेंट और एक्टिनाइट सीरीज के एलिमेंट संक्रमण धातु की कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे आते हैं, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ मेटल्स कितने होते हैं, आपको याद रखना है 91। टोटल नंबर ऑफ नॉन मेटल्स कितने हैं, 20। टोटल नंबर ऑफ मेटलॉइड्स यानी कि सेमी मेटल्स कितने हैं, 7। आपको याद रखने हैं सारे मेटलॉइड्स के नाम, याद रखने हैं कौन कौन से हैं, तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेरेलियम एंड पोलोनियम, ये 7 मेटलॉइड्स हैं और ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ लेंथेनाइट एलिमेंट्स की। तो 57 से लेकर के 71 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं लेंथेनाइट। तो टोटल कितने हैं, 14 लेंथेनाइट एलिमेंट्स हैं और 14 ही हैं आपके एक्टिनाइट एलिमेंट्स, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं लाइटेस्ट मेटल्स की। तो टोटल 91 मेटल हैं, उन 91 मेटल में से सबसे लाइटेस्ट यानी सबसे हल्का मेटल कौन सा है, आपको याद रखना है लिथियम। लिथियम जो है सबसे हल्का मेटल है। अब बात करते हैं सॉफ्टेस्ट यानी कि सबसे नरम मेटल कौन सा है। तो सबसे नरम मेटल यानी सबसे सॉफ्ट मेटल है आपका सोडियम। अगर पूछा जाए सोडियम के बाद दूसरा सबसे सॉफ्ट मेटल कौन सा है, तो सोडियम के बाद दूसरा सबसे सॉफ्ट मेटल है पोटेशियम। दूसरा सबसे सॉफ्ट मेटल कौन सा है, पोटेशियम। अब बात करते हैं हार्डेस्ट एंड
नॉन रिएक्टिव मेटल्स की। तो हार्डेस्ट मतलब सबसे कठोर, और नॉन रिएक्टिव मेटल जो किसी के साथ रिएक्शन ना करे। तो सबसे कठोर और सबसे नॉन रिएक्टिव मेटल कौन सा है, आपको याद रखना है प्लैटिनम। प्लैटिनम इज द हार्डेस्ट एंड नॉन रिएक्टिव मेटल। अब बात करते हैं हाईएस्ट डेंसिटी मेटल। हाईएस्ट डेंसिटी मतलब सबसे ज़्यादा घनत्व, और जिस मेटल का घनत्व सबसे ज़्यादा होगा वो मेटल सबसे भारी होगा। तो इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हैवीएस्ट मेटल कौन सा है, 91 मेटल में से हैवीएस्ट मेटल कौन सा है। तो आपको याद रखना है ऑस्मियम। ऑस्मियम जो है सबसे हैवी मेटल है, सबसे भारी मेटल है, और ऑस्मियम की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ऑस्मियम मेटल इज द हाईएस्ट डेंसिटी मेटल, मीन्स हैवीएस्ट मेटल। ओके, तो अब बात करते हैं हैवीएस्ट एलिमेंट की। हैवीएस्ट मेटल हो गया, ठीक है, अब बात करते हैं हैवीएस्ट एलिमेंट की। तो टोटल 118 एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। तो सबसे हैवी एलिमेंट कौन सा है, सबसे भारी एलिमेंट कौन सा है? तो सबसे भारी एलिमेंट है आपका ऑर्गेनिजन, जो आपका आखिरी एलिमेंट है आपका, जिसका एटॉमिक नंबर है 118 और मास नंबर है 294। ठीक है, तो सबसे हैवी एलिमेंट अगर आपसे पूछा जाए तो लास्ट एलिमेंट ऑर्गेनिजन है, और अगर आपसे हैवीएस्ट मेटल यानी सबसे भारी धातु अगर पूछा जाए तो ऑस्मियम है। ठीक है, अब बात करते हैं हैवीएस्ट गैस की। किसकी? हैवीएस्ट गैस की, यानी कि भारी गैस। तो सबसे भारी गैस जो कि एटमॉस्फेयर में ना पाई जाती हो, ठीक है, वो गैस कौन सी है? रेडॉन। रेडॉन इज द हैवीएस्ट गैस बट नॉट फाउंड इन एटमॉस्फेयर। रेडॉन को केवल लेबोरेटरी में उत्पादन किया जाता है और इसका यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए। ये एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती है, लेकिन सबसे भारी गैस अगर आपसे पूछा जाए जो कि एटमॉस्फेयर में ना पाई जाती हो, वो कौन सी गैस है? रेडॉन। अब बात करते हैं हैवीएस्ट गैस फाउंड इन एटमॉस्फेयर, यानी कि वातावरण में पाई जाने वाली सबसे भारी गैस कौन सी है? तो वातावरण में पाई जाने वाली सबसे भारी गैस है आपकी ज़ीनॉन। कौन सी गैस है आपकी? ज़ीनॉन, आपको याद रखनी है। वातावरण में पाए जाने वाली सबसे भारी गैस ज़ीनॉन है, और वातावरण में ना पाए जाने वाली सबसे भारी गैस है आपकी रेडॉन। यानी सबसे भारी गैस अगर आप बात की जाए ओवरऑल तो रेडॉन है, अगर वातावरण में पाए जाने वाली भारी गैस पूछी जाए तो ज़ीनॉन है। ठीक है, अब बात करते हैं एलिमेंट विच हैव अ लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। वो तत्व जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है, वो एलिमेंट कौन सा है? हीलियम। हीलियम इज द एलिमेंट हुज मेल्टिंग पॉइंट इज लोएस्ट। ठीक है, हीलियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं मोस्ट ब्राइटेस्ट नॉन मेटल की। ठीक है, सबसे चमकीला आधातु, क्योंकि आधातुओं में क्या है, जितने भी आधातु हैं, आधातुओं की प्रॉपर्टी होती है कि उनमें चमक नहीं होती है, उनमें शाइनिंग नहीं होती है, लेकिन एक आधातु ऐसा है जिसकी चमक सबसे ज़्यादा है, वो एलिमेंट कौन सा है? तो आपको याद रखना है मोस्ट ब्राइटेस्ट नॉन मेटल है आपका आयोडीन। आयोडीन इज द मोस्ट ब्राइटेस्ट नॉन मेटल, सबसे चमकीला आधातु है आयोडीन। ओके, ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की, जो कि अगर हम मॉडर्न पीरियड टेबल में अगर किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो वेरी करती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, ठीक है, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हम बात करेंगे उन प्रॉपर्टीज़ की और पैरामीटर्स की जो कि चेंज होती है अगर हम एटॉमिक नंबर के आधार पर लेफ्ट टू राइट या फिर ग्रुप में हम ऊपर से नीचे मूव करेंगे। तो पहले बात करते हैं ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल। आवर्स में बाएं से दाएं जाने पर प्रॉपर्टी में क्या चेंज आएगा? ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं अगर, तो किसी भी पीरियड में अगर हम, जैसे दूसरे पीरियड में या तीसरे पीरियड में, किसी पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, तो पहले अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या होती है आपको याद रखना है? इंक्रीज करती है। लेफ्ट टू राइट अगर हम पीरियड में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी इंक्रीज करेगी, जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी इंक्रीज करेगी। ठीक, सेकेंड आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे पीरियड में तो क्या होगी? वो भी इंक्रीज करेगी। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयनीकरण ऊर्जा अगर हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में हम मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होती है, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नॉन मेटेलिक करेक्टरिस्टिक्स, आधात्विक गुण। तो अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो नॉन मेटेलिक करेक्टरिस्टिक क्या होंगी? इंक्रीज होंगी।
ठीक है, क्या होंगी आपको याद रखना है, इंक्रीज होंगी। अब बात करते हैं मेटेलिक करेक्टरिस्टिक्स की। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर नॉन मेटेलिक करेक्टरिस्टिक्स लेफ्ट राइट जाने पर इंक्रीज हो रही हैं, तो मेटेलिक करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, घटेंगी, तो डिक्रीज। ठीक है, आपको याद रखना है मेटेलिक करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाने पर घटती हैं, आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक करेक्टरिस्टिक्स घटती हैं, नॉन मेटेलिक करेक्टरिस्टिक्स बढ़ती हैं। अब बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की, परमाणु त्रिज्या। तो किसी भी पीरियड में, किसी भी आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा आपका, डिक्रीज होता है। ठीक है ना, तो आपको ये छह पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर किसी भी आवर्त में, किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी, नॉन मेटेलिक करेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज करेंगी। ठीक है, डिक्रीज कौन कौन कर रही हैं, मेटेलिक करेक्टरिस्टिक्स और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती हैं अगर हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। ओके, अब बात करते हैं अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे यानी टॉप टू बॉटम मूव करते हैं ग्रुप में, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बात करें ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम इन एनी ग्रुप, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर प्रॉपर्टी में क्या इफेक्ट पड़ेगा, आइए देखते हैं। तो पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी की, ठीक है, वैद्युतीय ऋणात्मकता की। तो अगर हम किसी भी ग्रुप में, किसी भी समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी इंक्रीज करती है, लेकिन अगर टॉप टू बॉटम आएंगे तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी घटेगी। नेक्स्ट बात करें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, इलेक्ट्रॉन बंधुता की। तो पीरियड में जाते हैं तो इंक्रीज करती है, लेकिन अगर किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो डिक्रीज करेगी। अब बात करें आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी की, आयनीकरण ऊर्जा की। तो आयनीकरण ऊर्जा किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो डिक्रीज करेगी, आपको याद रखना है। अब बात करें नॉन मेटेलिक करेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है, तो ग्रुप में अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो नॉन मेटेलिक करेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज करती हैं। ठीक है, मेटेलिक करेक्टरिस्टिक्स ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज करेंगी। और लास्ट में एटॉमिक रेडियस, अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस जो कि एलिमेंट्स की वो इंक्रीज करेगी। ठीक है ना, तो पहले चार आपके डिक्रीज हो रहे हैं, कौन कौन से, अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे यानी टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिक्रीज करेगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी, नॉन मेटेलिक करेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज करेंगी। अब इंक्रीज कौन कौन कर रही हैं, मेटेलिक करेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज कर रही हैं और एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रही है। ठीक है ना, तो आई थिंक आपको याद हो गया होगा। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, आपको चार एलिमेंट दे दिए जाएंगे, या तो किसी पीरियड के एलिमेंट्स होंगे या तो किसी ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे, और आपसे पूछ दिया जाएगा इन एलिमेंट में से किस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी सबसे हाई है। तो आपको पीरियड टेबल आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, आपको थोड़ा ये आइडिया होना चाहिए कि ग्रुप के एलिमेंट्स हैं या पीरियड के एलिमेंट्स हैं। अगर पीरियड के एलिमेंट्स हैं तो आपको ध्यान देना है कि सबसे आखिरी पीरियड में सबसे आखिरी एलिमेंट कौन सा है जो दिया गया है। ठीक है, तो इसके लिए मैं अभी एक क्विज, प्रैक्टिस क्विज बनाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, एक प्रैक्टिस क्विज बनाऊंगा जिसमें सारे क्वेश्चंस मैं कवर करूंगा। अभी मैंने सिर्फ एक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ठीक है, जिससे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मेटल्स अकॉर्डिंग टू इट्स थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के आधार पर हमने मेटल्स को अरेंज किया है, यानी जिस मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी उसको मैंने पहले लिखा है, और जिस मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी सबसे कम होगी उसको मैंने बाद में लिखा है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने मेटल को अरेंज किया है। आइए देख लेते हैं। सो सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होती है सिल्वर की, ए जी मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। ए जी के बाद यानी सिल्वर के बाद है कॉपर, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होती है। कॉपर के बाद आपके एल्युमिनियम की थर्मल कंडक्टिविटी सबसे हाई है, और एल्युमिनियम के बाद टंगस्टन की थर्मल कंडक्टिविटी हाई होती है। सबसे ज़्यादा सिल्वर, सिल्वर के बाद कॉपर, कॉपर के बाद एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम के बाद टंगस्टन मेटल है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी हाई होती है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि हाइएस्ट थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव एलिमेंट, अगर आपसे एलिमेंट की बात करें जो सबसे, जिसकी थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, वो कौन है, मरकरी। कौन है, मरकरी। अब यहाँ पे मरकरी भी मेटल है, लेकिन मरकरी इकलौता ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, इसीलिए मैंने ऊपर इसको नहीं लिया है, क्योंकि ऊपर जितने भी मेटल हैं वो सॉलिड स्टेट में है,
ठीक है, मरकरी इकलौता ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में है, और मरकरी की थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा हाई होती है। तो अगर ऑप्शन में मरकरी दिया हुआ है तो आपको मरकरी टिक करना है, अगर मरकरी नहीं है तो आपको सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, टंगस्टन में से अगर कोई दिया है तो आपको उसको टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है क्या है, लोएस्ट थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव एलिमेंट। तो सबसे कम थर्मल कंडक्टिविटी किस एलिमेंट में है, लेड में, किसमें है, लेड में, और लेड आपका एक नॉन मेटल है। ठीक है, आपको याद रखना है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मेटल्स अकॉर्डिंग टू इट्स रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी के आधार पर हमने मेटल को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है आपका पोटेशियम, आपको याद रखना है सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है, पोटेशियम। पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। पोटेशियम के बाद सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है आपका सोडियम, सोडियम के बाद आता है कैल्शियम, कैल्शियम के बाद है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, फिर जिंक, जिंक के बाद कॉपर, मरकरी, सिल्वर, और लास्ट में आपका गोल्ड। और गोल्ड जो है आपका सबसे कम रिएक्टिव मेटल है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है आपका गोल्ड, और मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है आपका पोटेशियम। ठीक, अब बात करते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की जिसको आपको याद रखना है क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्जाम में ये पूछा जाता है। क्या है ये पॉइंट, मोस्ट स्टेबल एलिमेंट, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट स्टेबल एलिमेंट कौन सा है, Fe56। ये आयरन का आइसोटोप है, याद रखिएगा मोस्ट स्टेबल एलिमेंट है Fe56। मोस्ट रिएक्टिव मेटल है आपका पोटेशियम, और लीस्ट रिएक्टिव मेटल है आपका गोल्ड। गोल्ड के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है तो सिल्वर, और सिल्वर के बाद अगर आप बात करें तो सबसे कम रिएक्टिव मेटल है आपका मरकरी। ओके, तो आपको याद रखना है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं पीरियोडिक टेबल के प्रैक्टिस क्विज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।